दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी हो सकती है कि 1770 में पहली बार रुपए को नोट के रूप में छापा गया था। जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने रुपए को नोट के रूप में छापा था तब ये नोट कलकत्ता में छापे गए थे। ब्रिटिश राज में पहली बार नोट 1917 में छापे गए थे जबकि 1928 में नासिक में नोट छापने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहला नोट 1938 में जारी किया था। क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए इस नोट पर किसकी तस्वीर थी? जी हाँ दोस्तों, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो उसके लिए हम बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना के करीब 3 साल बाद जनवरी 1938 में RBI ने पहली बार 5 रुपये का नोट जारी किया था और इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की फोटो छपी थी। ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। आज़ादी के बाद देश में सबसे पहले 1 रुपये का नोट छापा गया था। इस नोट को भारतीय मुद्रा के रूप में 12 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। इस नोट पर अशोक स्तंभ का चित्र प्रकाशित किया गया था। दोस्तों उस वक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए नोटों पर महात्मा गांधी जी की फोटो नहीं होया करती थी। RBI ने नोट पर पहली बार महात्मा गांधी जी की फोटो 1969 में छापी थी। 1969 महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी था और उस फोटो के पीछे सेवाग्राम आश्रम भी था। आज़ादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर इन नोटों में कई बदलाव भी किए गए। इन नोटों पर गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छापे गए। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है, 1954 में 1000, 5000 और 10000 रुपये तक के नोट भी छापे गए थे। 1000 के नोट पर तंजौर मंदिर और 5000 के नोट पर गेटवे ऑफ इंडिया, 10000 के नोट पर लॉयन कैपिटल अशोक स्तंभ के चित्र अंकित थे। 2 के नोट पर आर्यभट्ट उपकरण, 5 के नोट पर कृषि यंत्रीकरण, 10 के नोट पर मोर, 20 के नोट पर रथ का पहिया और शालीमार बाग और 100 के नोट पर हीरा कुंड बांध का चित्र अंकित किया जा चुका है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।